एवरीवन मैं नवमली मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए उसमें प्रीवियस ईयर में रिवर्स से, से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चाहे वो इंडियन की रिवर देखो इंडिया की रिवर्स आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी और वर्ल्ड रिवर के भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं तो आज के जो सेशन आपका ये मिनट शो रहने वाला है ये आपका बेसिकली परवाह तंत्र से अपवाह तंत्र से रिलेटेड है, है। तो सबसे पहले।, तो सब पहले आपके सामने भारत की नदियों को लेकर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो आपसे पूछे जाने की उम्मीद है ठीक है भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी और सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है ये गंगा रिवर है ठीक है गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर 25 है पांच स्टेटों में से होकर बहती है सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहां पर है यूपी में है हो गए सारे क्वेश्चन इसके चलिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है तिब्बत में मानसरोवर कैलाश मानसरोवर के पास से बोखरचू ग्लेशियर से आपका होता है दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है प्यास नदी और सतलुज के संगम से कौन सी नहर निकलती है तो बचा राजस्थान को उसकी सिंचाई के लिए उसकी जीवन रेखा कहलाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल जो है यहाँ से निकलती है हरी के नाम की जगह से पंजाब में इनका संगम होता है लेह किस नदी के तट पर है तो लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पर है रोहतांग दर्रे के निकट से कौन सी नदी आपकी बहती है तो रोहतांग के पास से बचा रावी नदी का उद्गम जो है वो बताया गया है इसका आंसर जो है रावी नदी लगाना है आपका कुंड जो रोहतांग दर्रे के नीचे है वहां से आपकी व्यास नदी निकलती है हिमाचल में चिनाब रिवर को किस नाम से जाना जाता है तो चेनाब रिवर बारह लाचा के एक तरफ से चंद्रा एक तरफ से भागा तंडी पे आपकी मिलती है तो ये चेनाब कहलाती है तो चंद्र भागा जो है हिमाचल प्रदेश में से जाना जाता है भागीरथी और अलगनंदा के मिलने से कौन सी नदी बनती है तो गंगा का जो निर्माण होता है बच्चा वो देव प्रयाग पर जब भागीरथी जो कि आपकी गोमुख ग्लेशियर से निकली है अलगनंदा बद्रीनाथ से निकली है वो दोनों आकर मिलते हैं तो वहां से गंगा कहलाती है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है अलगनंदा और मंदाकिनी केदारनाथ धाम से बच्चा ठीक है गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं पदमा कहा जाता है शारदा नदी को यूपी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां किस नाम से जाना जाता है तो बच्चा जो आप काली नदी बोलते हो ना वही है ठीक है तो आपके सामने अगला है लूनी नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है तो लूनी नदी कहाँ पे फेमस है राजस्थान में कहाँ पर यह विलीन हो जाती है रन ऑफ कच्छ में बिहार का शोक कोसी बंगाल का शोक दामोदर ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मपुत्र वही या तो आपसे मानसरोवर पूछा जाएगा या फिर तिब्बत के अंदर चेमा युगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में आसाम में बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो इसको देखो तिब्बत से शुरू करते हैं तिब्बत में से जाना जाता है सांगपो के नाम से अरुणाचल में दिहांग या सियांग दोनों ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जाने के बाद ये जमुना बन जाती है फिर ये गंगा से मिलती है तो मेघना बन जाती है भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है काली नदी करती है उसके बाद उज्जैन किस शहर उज्जैन जो शहर है वो आपका किस नदी के तट पर है शिपरा के तट पर है दामोदर से निकाली गई नहर कौन सी है ये सवाल पूछा गया था बच्चों और इम्पोर्टेंट है एडिन नहर जो है आपकी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सरयू का दूसरा नाम तो आपका क्या हो जाएगा शारदा अब आपके लिए क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना शारदा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ओके नेक्स्ट है किस नदी को नेपाल में शलीग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है तो गंडक नदी को जाना जाता है गंगा की एक सहायक नदी है भारत की नदियों भारत की कौन सी नदियों में आपको घड़ियालों की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी तो चंबल बच्चा ठीक है कहां पर मध्य प्रदेश में जाना पाओ पहाड़ी से ये निकलती है कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है तो कपिली नदी है बच्चा जो कि आपके ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरी है है माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी बनाती है तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के अंदर है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम का एक जिला है ठीक है संकोच नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है तो संकोच जो कि आपके ब्रह्मपुत्र की क्या है बच्चा एक ट्रिब्यूटरी है तो वो असम और वेस्ट बंगाल की क्या बनाती है सीमा बनाती है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है तो अमरकंटक के पास से नर्मदा सोन और बच्चा महानदी का भी जो ओरिजिन है वो देखो दो दिए जाएंगे या तो अमरकंटक के पास लिखा होगा ऑप्शन में या फिर आपका छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी सिंपल सा आंसर ठीक है उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी है चौदह और दूसरी हमारी सबसे बड़ी है देश की कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका क्या होता है बच्चा उद्गम होता है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी है इंद्रावती ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डबल मार्क कर लेना ठीक है तो गोदावरी की आपकी ट्रिब्यूटरी है और आजकल गोदावरी और कृष्णा की ना मेन मेन ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही है है ना गोदावरी और कृष्णा का ओरिजिन स्टेट कहां पर है तो महाराष्ट्र में है बच्चा महाराष्ट्र में त्रिंबकेश्वर से, से निकलती है गोदावरी ठीक है और महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा सूरत तूरस शहर किस नदी के किनारे पर है तापी के किनारे पर है मूसी के किनारे पर किस राज्य की राजधानी है तो बच्चा आपका हैदराबाद वो राजधानी है जो कि आपकी तेलंगाना की राजधानी है तो आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पर नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गोदावरी किनारे बसा हुआ है अगला सवाल आपके सामने महानदी पर कौन सा डैम बना है तो विश्व का सबसे लंबा अर्दन डैम हीराकुंड भुवनेश्वर किस नदी के तट पर है दया नदी के तट पर है तिरुचिपल्ली किस नदी के तट पर है कावेरी तमिलनाडु में बच्चा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है कोड़ई कनाल झील भारत के किस राज्य में है तमिलनाडु कोड़ई कनाल ना हिल स्टेशन भी है पालनी तो आपका क्या है पालली जो हिल्स है बच्चा है ना तो ये आपका तमिलनाडु भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनलैंड साम्बर झील हो जाएगा लगून पूछेंगे आपका का, क्या आ जाएगा वहां पर आंसर आपका चिल्का लेक आ जाएगा ओके अच्छा चित्रकूट वाटरफॉल आपका इंद्रावती पर है इम्पोर्टेंट है इसको न्यागरा वाटरफॉल की भी संज्ञा दी गई है न्यागरा जो की आपका कैनेडा और यूएसए की सीमा पर है आगे आंचर झील कहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर में है रहमयी झील के नाम से आपकी कौन सी झील फेमस है तो बच्चा जो रूपकुंड झील है वो रहेशमी झील के नाम से आपका फेमस है झील कहां पर है तो इसका सबसे ज्यादा एरिया आंध्र प्रदेश में है लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है भारत में क्रेटर झील कौन सी है महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है बच्चा फ्रेश वाटर लेक है इसी में आपका केबुल नामजाओ क्या है केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है अमृत धारा वाटरफॉल आपका किस नदी पर है तो यह हसदो रिवर जो की आपकी महानदी की क्या है ट्रिब्यूटरी है छत्तीसगढ़ के अंदर आगे है दूध सागर वाटरफॉल आपका गोवा में मांडवी नदी पर है लोद वॉटरफॉल पर है झारखंड तो में है ये बुरहा नदी पर है जिसको बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तो सबसे ऊंचा झरना आपका क्या वॉटरफॉल कुंचिकल हो जाएगा कर्नाटका के अंदर धुआंधार वाटरफॉल आपका नर्मदा पर है मध्य प्रदेश में वसुधारा वॉटरफॉल का संबंध किस नदी से है यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह हो जाएगा अलकनंदा रिवर से ठीक है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है नेक्स्ट यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी देखो अगर यूरोप है दैट मीन्स बच्चा रशिया भी उसी का पार्ट है तो वोल्गा रिवर हो जाएगी चांस वोल्गा आंसर में नहीं है ऑप्शन में नहीं है तो डेन्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली की गंगा किसे कहते हैं पो रिवर को बोला जाता है लंदन की गंगा किसको बोलते हैं थेम्स को बोलते हैं सबसे बड़ी नदी एमेजन है सबसे लंबी नदी नील है ये तो आपका सीएचएसएल में पूछा गया था ठीक है अभी हाल ही में नर्मदा नदी विवाद किन राज्यों के बीच में से संबंधित है तो ये महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश जिनके लिए वो आपका एक तरह से प्रॉफिटेबल है बच्चा उन्हीं के लिए आपका विवादित है कावेरी विवाद किस राज्यों के बीच में है तो अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा देखो ना बेंगलोर बंद किया हुआ था हाल ही में जो सबसे ज्यादा विवाद है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में बाई चांस इससे ज्यादा राज्य दे दिए कर्नाटक तमिलनाडु केरला और आपका यूनियन टेरिटरी पुण्डुचेरी ठीक है नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था कि भैया नॉर्थ की नदियों को साउथ की नदियों से लिंक करना 2002 में आ, गंगा की कौन सी नदी समतल से आकर उसमें मिलती है तो रूपी के पीली भीड़ से ठीक है आपकी गोमती नदी जो है बचा वो गंगा की सहायक नदी है रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां नर्मदा तापी और दामोदर आपकी श्रीशैलम डैम किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली हुई है त्रिवेणी नहर बिहार में है ध्यान रखना गंडक नदी से इसको निकाला गया है नक्की झील भारत के किस राज्य में मिलेगी राजस्थान में मिलेगी कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कहाँ पर बनता है आंध्र प्रदेश में बूढ़ी गंगा के नाम से क्या फेमस है गोदावरी

क्वेश्चन गलत किया हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत किया होगा है ना तो चलिए टेक केयर एवरीवन बाय बाय फिर से किसी टॉपिक पे जल्द मिलेंगे आपके सामने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ठीक है और टॉपिक मैं सोचती हूँ करंट अफेयर हो जाए इस बार है ना आप लिखना जरूर कि किन किन को पूरा एक साल का करंट अफेयर चाहिए ठीक है वो वीडियो लंबी होगी वो टेन मिनट में नहीं चलेगा चलिए टेक केयर एवरी बाय बाय और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत